चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं उनका प्राइस कम रखने के लिए, और फिर बाद में कभी डिस्प्ले खराब हो जाता है, तो कभी मदरबोर्ड डेड हो जाता है, तो कभी फोन ही ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों, क्या आप भी पोको F6 या रियलमी GT60 लेने का सोच रहे हो? तो रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद में आपका इरादा बदल जाए। दोस्तों, मुझे पता है मार्केट में इन दोनों फोन का इतना ज्यादा तारीफें चल रहा है जैसे कि इसके अलावा और कोई फोन है ही नहीं, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है इन दोनों ही फोन में एक सेम प्रॉब्लम है जो सुनने के बाद में शायद आप ये फोन ना लो। अभी आप ये सोचते रहेंगे कि दोनों फोन तो अलग अलग है लेकिन सेम प्रॉब्लम कैसा हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों भी फोन 90% तक सेम है। इन दोनों फोन में इतने सारे चीजें सेम है कि आप गिन गिन के थक जाओगे, तो आप टेंशन मत लो, काउंटिंग यहाँ पे चलते रहेगा। और साथ में मैं आपको एक प्रॉब्लम जरूर बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप इन दोनों फोन में से कोई एक खरीदना चाहते हो। तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो सबसे पहला सेम ब्लैक एंड येलो बॉक्स, और बॉक्स के अंदर के सारे कंटेंट भी सेम टू सेम है। बाकी अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर सारे जरूरी चीजें मिल जाता है। फोन की ओर बढ़े तो दोनों फोन का लुक एंड डिजाइन डिक्टो सेम टू सेम है। फर्क सिर्फ इतना है रियलमी ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है और पोको मैट फिनिश के साथ में आता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों फोन का बैक पैनल एंड फ्रेम सेम चीप क्वालिटी का प्लास्टिक से बना हुआ है, और फ्रंट में पोको में मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन, और रियलमी में मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन। पोको में IP64 का रेटिंग मिलता है और रियलमी में IP65 का रेटिंग मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है। दोनों फोन में सेम डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है, SD कार्ड नहीं लगा सकते। और वेट की बात करें तो रियलमी में मिलता है 193 ग्राम और पोको में मिलता है 183 ग्राम। दोनों ही फोन में सेम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है जो कि ठीक ठाक फास्ट भी है, और दोनों ही फोन में सेम क्वालिटी का डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है जो कि अच्छा खासा लाउड भी है। लेकिन दोस्तों पोको में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है जिसकी वजह से उसका क्वालिटी थोड़ा सा बेटर है, और हैप्टिक फीडबैक भी लगभग सेम ही है। बाकी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ खास डिफरेंस है नहीं है। दोनों ही फोन में सेम 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और सेम 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। बाकी सामने रियलमी में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है और पोको में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी। कैमरास किसका बेटर है वो हम आगे देखने वाले, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम सॉफ्टवेयर पे बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन में एंड्रॉयड 14 मिलता है और साथ में 3 साल का और एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा और 4 साल का सिक्योरिटी पैच भी मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देख ही लिया है, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही मिलता है। डिफरेंस है तो सिर्फ दो ही चीज में, पहला है डिस्प्ले और दूसरा है प्रोसेसर। तो पहले हम डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। यह डिस्प्ले का पूरा स्पेसिफिकेशन, हम बहुत ज्यादा डीप डाउन में नहीं जाएंगे, सारे मेन चीजों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है रियलमी में मिलता है कर्व डिस्प्ले विद LTPO सपोर्ट और पोको में मिलता है फ्लैट डिस्प्ले विदाउट LTPO सपोर्ट। बाकी दोनों का ही डिस्प्ले में बहुत कम चीन है और बहुत पतले बेजल्स है जो कि ना के बराबर है, क्योंकि दोस्तों ये चीज मूवी देखते टाइम या फिर कोई भी कंटेंट एक्सपीरियंस करते टाइम बिल्कुल भी सामने नहीं आता है, एकदम से गायब ही हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छा रहता है। और साथ में दोस्तों दोनों ही फोन में HDR10+ का सपोर्ट मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों सिर्फ पोको में ही HDR10+ और डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिखाता है नेटफ्लिक्स पे। और दोनों का ये डिस्प्ले अच्छा खासा ब्राइट है, तो इंडोर या आउटडोर यूसेज में कोई इश्यू नहीं होगा। बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो रियलमी में मिलता है 5500 mAh बैटरी और पोको में मिलता है 5000 mAh बैटरी, लेकिन दोस्तों दोनों ही फोन में सेम 120 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों एक कैच है, रियलमी फुल 120 वाट में चार्जिंग कर सकता है लेकिन दोस्तों पोको सिर्फ 90 वाट में ही मैक्स सपोर्ट करता है, तो बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में रियलमी बेटर है पोको से। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस की बात करें तो वो है प्रोसेसर। रियलमी में मिलता है Snapdragon 7+ Gen 3 और पोको में मिलता है Snapdragon 8S Gen 3। वैसे दोस्तों ये दोनों भी लेटेस्ट प्रोसेसर है और दोस्तों दोनों भी फोन में लेटेस्ट रैम टाइप और स्टोरेज टाइप मिलता है। इसमें भी दोस्तों हम बहुत ज्यादा डीप डाउन स्पेसिफिकेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन दोस्तों रियल लाइफ यूसेज की बात करें तो अंतुतु बेंचमार्क में रियलमी थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है तो पोको थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लेकिन दोस्तों स्ट्रेस टेस्ट में पोको थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है तो रियलमी थोड़ा पीछे रह जाता है। काइंड मास्टर पे एडिटिंग करेंगे तो रियलमी थोड़ा सा फास्ट एक्सपोर्ट करके देगा तो पोको थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लेकिन दोस्तों VN पे एडिटिंग करेंगे तो पोको थोड़ा सा फास्ट एक्सपोर्ट करके देगा लेकिन रियलमी थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बाकी गेम प्ले की बात करें तो दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करता है। पबजी में दोस्तों दोनों ही फोन में 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, किसी में भी 90 FPS नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये सारा टेस्टिंग करने के बाद में एक बात समझ में आया कि दोस्तों नाम भले अलग अलग है लेकिन काम ऑलमोस्ट सेम ही है। वैसे दोस्तों मैं जो प्रॉब्लम की बात कर रहा था वो है इन दोनों फोन का प्राइस।
ये दोनों फोन अप्रॉक्स 30,000 के बजट में मिल जाता है। लेकिन दोस्तों 30,000 के बजट में ये जो ऑफर कर रहे हैं वो है सिर्फ एक नया प्रोसेसर, बाकी कैमरा इसका एवरेज है, सॉफ्टवेयर ब्लॉटवेयर से भरा हुआ है, बिल्ड क्वालिटी चीप प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है। और दोस्तों आपको इन चाइनीज ब्रांड का पास तो पता ही होगा, चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते उनका प्राइस कम रखने के लिए, और फिर बाद में कभी डिस्प्ले खराब हो जाता है, तो कभी मदरबोर्ड डेड हो जाता है, तो कभी फोन ही ब्लास्ट हो जाता है। और दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि 30,000 रुपये के अंदर और दूसरा कोई अच्छा फोन नहीं है दोस्तों। मोटो H50 प्रो आता है जिसके अंदर मेटेलिक फ्रेम मिलता है, IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस का सर्टिफिकेशन मिलता है, वायरलेस एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलता है, और डॉल्बी एटमॉस का डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है, और दोस्तों ऐसा बहुत सारे फीचर्स मिलता है जो कि 30,000 रुपये के अंदर ही मिलता है, वो भी काफ़ी अच्छा खासा यूज़र एक्सपीरियंस के साथ में, जिसके अंदर कोई ब्लॉटवेयर्स और एक्स्ट्रा ऐप्स नहीं मिलता है। वहीं पे ये दोनों फ़ोन में खाली एक नया प्रोसेसर और एक ठीक ठाक सा डिस्प्ले के अलावा और कुछ नया नहीं मिलता है, बाकी आपकी मर्जी आपका पैसा। बाकी आप अगर ये फोन लेंगे तो अपने रिस्क पे लेना, और फोन में कुछ इश्यू आ गया तो सर्विस सेंटर के चक्कर काटते रहना। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो अगर अच्छा लगा रहे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।